आज की जो हम अव्यक्त वाणी सुनेंगे, उससे पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी अपने मस्तक के मध्य में देखें, अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त सरिष्ठा रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि। सभी व्यक्त भाव से परे मैं फरिश्ता अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने अव्यक्त स्थिति में और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी चात्रक होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो मुरली की ओरिजिनल डेट है 7 दिसंबर 1979। मुरली का टाइटल सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात महाराष्ट्र जोन बाबा के सामने है। तो बाबा ने कहा, संगम युग है वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो। इतना नशा सदा रहता है, बाबा ने चेक करने को कहा। इतना नशा सदा रहता है, कौन सा नशा? कि ऐसे संगम युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हम हीरो और हीरोइन एक्टर हैं। बाबा कहते हैं इतना नशा सदा रहता है, संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है,
संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? तो बाबा पूछ रहे हैं, द्वापर युग में अल्पकाल की सिद्धि, अल्पकाल की प्राप्तियां, अल्पकाल भावना का भाड़ा मिला। द्वापर युग है भक्ति, भक्ति अर्थात अल्पकालीन प्राप्ति। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग पर जब बाबा स्वयं हमें मिले तो संगम युग को तो सदा काल का वरदान है। एक का पदम गुना का भाग्य जमा करने का ये युग है। इस हिसाब से भाग्य को जमा करना, हर पल हर क्षण बाबा के साथ का अनुभव करना, प्राप्तियों का अनुभव करना। बाबा कहते हैं संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? तो संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। तो जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो। जैसे नाम कंबाइंड है शिव शक्ति वैसे सदा कंबाइंड रहो, तो माया जीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति और भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप हो ना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना, पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? सदा श्रेष्ठ स्वरूप। बाबा कहते हैं नीचे आते ही क्यों हो? बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया में जो पॉलिटिकल पावर्स है वो कुर्सी के लिए, वो सत्ता में बैठने के लिए जानते हैं उस वो कितना उस पद के साथ कितनी जिम्मेवारियां और कितना कांटों की कुर्सी है, उसमें सुख नहीं है, उसमें कितने विकार है, कितना उसमें व्यर्थ है, स्थिति को गिराना है। बाबा कहते हैं फिर भी वो सीट के लिए कितनी उसमें चिंता है, फिर भी उस सीट के पीछे कितना भागते हैं दुनिया में। तो बाबा कहते हैं आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता, और आपको तो बाप दादा सदा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है कि दुखदाई है फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो, सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो। बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो, सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो। तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए? अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो?
एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है, यह है बीच। अंडरलाइन बाबा ने क्या बताया, सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है कि हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है, यह है बीच। बीच को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। बाबा क्या कहते हैं, भूल क्यों होती है? ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में गलतियां क्यों होती है, इसका क्या कारण है? विस्मृति। जब जब विस्मृति है तब तब किसी ना किसी रूप से गलतियां होंगी। तो बाबा क्या कहते हैं, भूल किसको कहा जाएगा, जो सदा स्मृति स्वरूप है। तो इस वरदान भूमि से, वरदान भूमि कौन सी, मधुबन से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ कर के जाना, विस्मृति के संस्कार समाप्त। तो बाबा हमसे कितनी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की मनोकामना रखते हैं। विकार और व्यर्थ से भी सूक्ष्म है विस्मृति। बाबा ने कहा विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से भी परे से आते हैं। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना यही काम है ना। बच्चों को याद करना यही काम है ना, चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। तो जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। आगे बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे, सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। तो ड्रामा अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। मैंने कहा जैसे जैसे चारों तरफ सीन दिखाई देंगे विनाश के, तो वैराग्य और बढ़ते जाएंगे, वैरागी और बनते जाएंगे, वैराग्य बढ़ता जाएगा।
ड्रामा अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। लेकिन कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो, दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो, यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। तो बाबा ने कहा, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। क्या होगा, यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। तो बाबा ने साक्षी होने के लिए क्या विधि बताई? चारों तरफ हाहाकार के सीन्स हो, हलचल हो। तो बाबा ने साक्षी रहने के लिए क्या विधि बताई? बाबा ने कहा, ये खेल है, आपके लिए ही तैयारी हो रही है। कितनी बार, अनेक बार, कल्प कल्पांतर, ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। ये पॉइंट्स बाबा ने बताए साक्षी होने के, अंतिम समय के दृश्य को देखते हुए भी साक्षी कैसे रहे। तो बाबा ने कहा, क्या होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। बाबा ने कहा, क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। अंडरलाइन, क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। तो बाबा ने कहा, सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है, वह हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। फरिश्तों का क्या गायन होता है? अगर हम चिंतन करें, फरिश्तों के लिए क्या गायन है? सदा उनको उठता हुआ दिखाया, प्रकाश में, काया में दिखाया, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, रहम की भावना, निरंतर और नेचुरल स्वरूप में दिखाया। तो बाबा कहते हैं, जैसे ये फरिश्ते का जो ये गायन है, क्या वह हमारा गायन है? क्या हम सदा उड़ती कला में उड़ते हैं? क्या हम डबल लाइट रहते हैं? क्या स्थिति लाइट रहती है हर पल हर क्षण? क्या देह भान की धरनी से सदा न्यारे रहते हैं? क्या लाइट और माइट हमसे निरंतर चारों तरफ जाती है? क्या शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और दया के संकल्प सबके प्रति रहते हैं? विश्व कल्याणकारी के स्वमान में सदा रहते हैं? तो ये सारे फरिश्तों के लिए जो गायन है, तो बाबा पूछते हैं, हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो? बाबा ने कहा, इस पुरानी देह में रहते, देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। फरिश्ता जीवन
क्या है? बाबा ने क्या बताया? इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे। जो देह के भान से न्यारे हैं, जो फरिश्ता जीवन में है, ऐसे फरिश्ता जीवन वाले हल्के होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। अंडरलाइन, हम अगर अपनी अवस्था को चेक करें, कभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारी स्थिति नीचे है, डिप्लीटेड है, डाउन है, किसी भी कारण से, चाहे दिल शिकस्त है, चाहे मंगुत्साह गायब है, चाहे माया से युद्ध हो रही है, कोई पुराना संस्कार हावी हो रहा है, व्यर्थ के तूफानों में फंसे हैं, तो बाबा कहते हैं अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है, लेकिन फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से भी रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली, प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। तो अभी हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करें। अच्छा, आप सब अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति भाई जी, जी, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी नहीं छोड़ सकते। आपको तो बाप दादा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन वो पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर भी नीचे क्यों आते हो? कभी भी ऐसा सीट को नहीं छोड़ो। ओम शांति, ओम शांति, जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा बोला যে সঙ্গম যোগ হয় বরদানি যোগ। সঙ্গম যোগ করি অসম্ভব সম্ভব হতে হয়, সর্ব পরিবর্তনকে যোগ সঙ্গম যোগ হয়। তো এইটা যোগ পর শ্রেষ্ঠ পাঠ বাজানে বালা এই অর হিরোইন একটার হোক। সঙ্গম যোগ করি
सदा संपन्न का वरदान मिलता है। दापर से कभी कभी अल्प काल का मिलता है। संगम युग का सदा काल का वरदान है। संगम युग पर नामी है शिव शक्ति। जैसे बाप जैसे नाम कंबाइन है उससे सदा कंबाइन रहे तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी अभी कंबाइन शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य की कंबाइन विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइन रूप होना। ओम शांति। कविता बताए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बहुत ही अंडरलाइन करवाया, क्योंकि जैसे कि हम लोग अभी ड्रामा में है, नाटक है और ये खेल भी है, तो इस नाटक में जो कुछ भी परिस्थितियां आ रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है देखने को तो आता है, तो उससे न्यारे रहने के लिए एक ही उपाय है कि बाबा की याद में रहे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, जो भी चल रहा है, जो भी दिख रहा है, उससे हम साक्षी होके देखेंगे। तो बाबा ने जैसे पहले भी यज्ञ के शुरुआत में जिस तरह से दादियां और बड़ी दीदियां जब भट्टी में थी, तो जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा था उस समय, तो सभी सेफ थे। कुछ भी सेक उनको लगी नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्ली के जो पुंगरे थे वो सेफ थे। तो बाबा यही कहते हैं कि जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे, और यही सेफ्टी का साधन है। तो हमें दिन भर यही चेक करना है कि हमारी मन और बुद्धि कहीं और तो नहीं जाते, क्योंकि जितना मन भी संकल्प रचता है या बुद्धि जिस तरह से, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, निर्णय लेना, तो कभी कभार जो निर्णय बुद्धि भी ले रही है वो अकॉर्डिंगली श्रीमत पर है या नहीं, ये सूक्ष्म चेकिंग करते हुए बार बार परम धाम में जाना, बाबा की याद में रहना, बाबा के साथ रहना, ये हमें करना है। जब ये करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये तो सेफ्टी का साधन बाबा ने ऑलरेडी बताया याद की यात्रा, और हम डबल लाइट रहेंगे क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हर एक मेरा बच्चा अव्यक्त स्थिति को पाए, तो तभी हम वो अव्यक्त स्थिति को पाएंगे। यही बाबा ने बहुत अच्छी तरह से आज हम बच्चों को समझाया। ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई जी बताए। ओम शांति। आज बाबा ने एक ही मंत्र बता दिया है, एक हम बाबा के बाबा हमारा। अगर ये स्मृति सब समय रहेगी तो कभी भी नीचे नहीं आएंगे, हल्केपन रहेंगे, फरिश्ता स्थिति में रहेंगे। तो बाबा ने यही कहा है कि कभी अभूल बनो, भी इसको याद रखो और सब भूल जाओ। और अगर द्वापर से अपने विस्मृति में थे इसीलिए नीचे आते गए, और ये बरदानी भूमि है, यहाँ पर खाली यही याद रखेंगे कि स्मृति स्वरूप बनना है, और स्मृति स्वरूप बने हुए हैं तब कभी भी कोई भी असुविधा नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री जी बताए। जी ओम शांति। तो पहले तो हम साक्षी को लेंगे। साक्षी से मतलब क्या, साक्षी जो बाबा बोलते हैं साक्षियों के ड्रामा देखो, तो साथी को अगर हम देव साथ रखते हैं और साक्षी बन करके अगर हम हर काम करते हैं तो हमें वो साक्षी स्थिति नजर आएगी। तो मैं ये वाला आज का जो मुझे अच्छा लगा, ड्रामा अनुसार जो कलयुगी दुनिया का दुख और शांति का नजारा देख बेहद के बैरागी बनते जाएंगे। बाबा को हद की बात कोई भी पसंद नहीं है। बाबा सदा बेहद की ही बात करता है, और बेहद क्या होता है, हमें चढ़ती कला में ले जाता है। तो बेहद का बैरागी का अर्थ जो मुझे समझ आया कि बेहद का बैरागी अर्थ मतलब देह रूपी घर से भी बेघर, मतलब इस देह में जो हम बैठे हैं इससे भी हम बेघर हैं। तो क्या होता, तो हमें यहाँ पर जब भी कोई हम जब चेक करते हैं कि मेरे अंदर कोई राग तो नहीं है,
तो कभी राग कभी वैराग्य, तो दोनों जो हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का लास्ट का जो अनुभव था कि उन्होंने कैसे, जब उनका लास्ट का जो टाइम था तो कैसे उन्होंने अपने को संभाला, तो यहाँ पर हमें क्या करना, सदा के बैरागी। बाबा तो बोलते सदा, सदा भी बाबा को पसंद है, तो बेहद के बैरागी मतलब देह रूपी घर से भी बेघर, तो देह भी बाप की मेरी नहीं, तो इतना देह से मतलब देह के भान से घर परे हो जाते हैं, तो बेहद के बैरागी बन जाएंगे। और उसमें क्या होगा, कभी भी संस्कार स्वभाव और साधन में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारी वहां पर चढ़ती कला जब होती है तो हमारी स्व उन्नति होती है, तो हम किसी भी बेहद के बैरागी मतलब हर संकल्प बोल सेवा बेहद की वृत्ति स्मृति, जैसे बाबा ने स्मृति विस्मृति का आज खेल बताया, तो भूल भुलैया के इस खेल में हम क्या होते, बेहद के सेवा में समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर कर्म बाबा करवाने वाला है, करण करावनिहार। तो दुनिया के लिए बाबा बोलते हैं जब तुम चढ़ती कला में जाएंगे, जब हाहाकार मचेगी, तो हाहाकार के बाद ही तो बाबा ने बोला जय जयकार होगी, तो उस जय जयकार का जो बाबा ने आज अर्थ बताया वो मुझे अच्छा लगा कि जाना है अब घर जाना है, तो कोई भी परिस्थिति से हमें घबराना नहीं है, हमारे लिए तैयारी हो रही है, साक्षी होकर के हम सब ये खेल देखेंगे। और कोई रोता बाबा बोता चिल्लाता है तो साक्षी होकर देखने से बाबा बोते मजा क्या होगा, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी नहीं उठना चाहिए हमें इस टाइम, तो ये होना ही है, हम अटल हैं, और ये क्वेश्चन अगर नहीं उठता है तो हमारी जो हलचल भी होगी स्थिति के अनुसार, वो भी हम उस हलचल में स्थिति बना करके संबी स्मृति को स्मृति भी स्मृति की स्मृति ला करके याद की भट्टी में रह करके सदा सेफ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। साधना जी बताए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा है कि संगम युग पर हम बच्चे शिव शक्ति कंबाइंड हैं, तो हर समय जब हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं तो माया जीत बन ही जाएंगे, तो जब हम डबल कंबाइंड रूप हैं, और पांडवों को भी दिखाया है कि हमेशा याद में रहते हैं, तो ये हमारा पांडव और शक्तियों का गायन है शिव शक्ति कंबाइंड का। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में हम लोग सदा श्रेष्ठ स्वरूप में हैं, इसलिए हमेशा अपने शिव शक्ति का माइंड स्वरूप में रहें, फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहें, सदा अतींद्रिय सुख के झूले में झूलते रहें, और क्योंकि ये सीट हमको अविनाशी सीट मिली है, ऊंची सीट मिली है, तो अभी ये संगम युग पे ही मिलने वाली है, बाद में तो फिर पूरे कल्प में हमको नहीं मिलेगी, संगम युग पे ही बाबा के साथ कंबाइंड रह सकते हैं, संगम युग पे ही हम फरिश्ता बन सकते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में तो बाबा रहेगा ही नहीं, ये सब हमें वरदान मिलेगा ही नहीं संगम युग का, इसलिए इस अविनाशी वर्षे को, इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम और बाबा साथ है, कंबाइंड है, ये यही तो बीज है ना, बीज को ही पकड़ना है हमको, और इसलिए बाबा हमको अभूल बनाकर वरदान भूमि से स्मृति स्वरूप बनने का वरदान दे रहे हैं कि हर समय ये स्मृति रखो कि मैं और बाप कंबाइंड, मैं फरिश्ता और इस साकारी लोक से परे परम धाम से आई हुई हूँ, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसी को ही सदा लवलीन स्थिति कहते हैं। ओम शांति। शांति। गायत्री जी, गायत्री से बताए। ओम शांति। आज बाबा ने सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनने के लिए कहा है कि अपने को वरदानों से संपन्न समझना हमने, क्योंकि हम संगम पर हैं। तो वरदानों से कौन कौन से वरदान दिए बाबा ने, श्रेष्ठ बनाने वाला हीरो एक्टर बना दिया हमको, दूसरा सदा संपन्न होने का वरदान मिल गया हमको, तीसरा शिव शक्ति समान कंबाइंड होने का वरदान मिल गया हमको। अब ये तीनों वरदान हमको माया जीत बना देते हैं और डबल रूप में कन्वर्ट कर देते हैं हमको, कि हम अभी भी हम डबल रूप है शिव शक्ति के रूप में, और आगे जाके हम विष्णु रूप में बनने वाले हैं। तो ये माया जीत बनने का मतलब ये है कि हम डबल रूप में रहें, आज शिव शक्ति के रूप में रहें और कल विष्णु रूप में रहें। फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि इन तीनों वरदानों को अपने अंदर धारण करने का मेथड क्या है।
पहला मेथड बाबा ने कहा कि याद में रहना है आपको, याद में रहोगे तो गायन रूप बनते रहोगे, नीचे कभी नहीं आना। फरिश्ता स्थिति आपको बाबा ने दे दी, उस सीट पे सेट कर दिया, उसी स्थिति में रहना है, श्रेय स्थिति में रहना है। और वो स्थिति जो है आपको हमेशा ये नहीं सिर्फ मैं फरिश्ता हूँ कहना है, फीलिंग में लाना है कि मैं फरिश्ता बनकर ये कर्म कर रहा हूँ, तभी आप अतींद्रिय सुख में झूलते रहोगे। एक बात और याद करने को बाबा ने कहा कि अगर आप ये कहोगे कि हम बाबा के हैं और बाबा मेरा है, मतलब मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है, अगर ये चीज सदा हर मिनट हर सेकंड निरंतर समाई रहेगी तो हमारे बाकी सबसे रिश्ते टूट जाएंगे और फरिश्ता बनने का जो हो है तो वो हमारे हाथ में आ जाएगा। और ये तक कब हो सकता है, ये मेथड जो बाबा ने बताया, तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभूल बनना पड़ेगा। मतलब जो चीज याद रखनी है उसको याद रखो, जो चीज भूलनी है उसे भूल जाओ, क्योंकि यही टाइम है जब हम हमें बाबा ने विस्मृति का वरदान भी दे दिया है कि विस्मृति जो है वो क्या स्मृति रखनी है और क्या विस्मृति रखनी है। अगर ये चीज हमें सदा बाबा की याद रहे तो हम बाबा के लव में लीन हो जाएंगे, और लव में लीन होने के लिए बाबा ने सिर्फ एक सेफ्टी का साधन बता दिया कि याद की भट्टी में सदा रहो। अब याद की भट्टी के बहुत सारे और पॉइंट बताए, मेन यही है कि याद की भट्टी में रहेंगे तो हम फरिश्ता स्थिति में स्थित रह सकेंगे और बाबा की लव में लीन रहेंगे। ओम। नमिता जी बताए। ओम शांति भाई जी, आज आज बाबा कहते हैं यह संगम युग है शिव शक्ति का युग, क्योंकि बाबा हमारा साथ कंबाइंड है, यह हम इस संगम युग में ही अनुभव करते हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, हम बाबा संगम युग को वरदानी युग भी कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जन्म लेते ही यह वरदान हमारा याद में है और हम इस नशे में भी रहते हैं, तो संगम युग है वरदानी। तो बाबा ने कहा लेकिन यह सब हम अनुभव करते जब हम अपनी सीट पर सेट होकर रहते, माना अपनी आत्मिक स्थिति में रहते और बाबा का याद में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति में हम घबराना नहीं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है, तो साक्षी होकर सारे परिस्थिति को खेल समझकर खेलना, माना अपनी पार्ट पर प्ले करना है, अपनी अंदर की स्थिति को भी साक्षी होकर देखेंगे तो परिस्थिति खेल लगेगी। तो इसके लिए सदा बाबा को साथ कंबाइंड होकर रहना, तो फरिश्तापन के अनुभव भी करेंगे, माना हल्कापन अनुभव करेंगे, क्योंकि फरिश्ता माना सारे बंधनों से मुक्त आत्मा, स्वतंत्र है देह और देह की दुनिया से भी स्वतंत्र। तो बाबा ने कहा इस ये सब करने के लिए सदा अपनी स्थिति पर अटेंशन रख, परिस्थिति को खेल समझकर पार्ट प्ले करना है। ओम शांति। ओम शांति। रीमा जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को संगम युग का जो संपन्न स्वरूप है ना, फरिश्ता सुदेवता स्वरूप में देखना चाहते हैं, तो हम कैसे अभ्यास करें? तो बाबा ने कहा है मुरलियों में कि अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ, और सेकेंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने की प्रैक्टिस हो, जैसे सेकेंड में स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट हो, अपने लाइट के वायुमंडल को बढ़ाओ तो जिससे दूसरों को भी अनुभव हो, और इस पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प से हल्के हो, उसको लेके मन में नहीं रहो, क्योंकि भारी होंगे तो फिर हल्कापन नहीं होगा। तो अपने संस्कार स्वभाव और संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते भी सर्व के स्वभाव संस्कार में भी हल्कापन हो, उसी की निशानी है ना, सर्व के प्यारे, कोई कोई के नहीं लेकिन सर्व के प्यारे। और इसमें स्वयं का भी स्वराज्य अधिकारी अर्थात कर्म इंद्रियों के राजा, तो वही लाइट के स्वरूपधारी बनेंगे, बाबा ने कहा। तो इस देह में रहते फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव तभी हम कर पाएंगे। ओम शांति। अजय भाई जी बताए।
ओम शांति। बाबा ने बोला कि सर्व रिश्तों को समाप्त कर एक ही रिश्ता बनाओ, फरिश्ता बनो, तो सदा अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। तो हमें फरिश्ता बनने के लिए एकदम लाइट रहना है, सर्व बोझों से मुक्त रहना है। जितना करण कराण और बाबा की स्मृति रहेगी और हम निमित्त बनकर करेंगे, तो हम हमेशा हल्के रहेंगे और फरिश्ते बन जाएंगे। और संगम युग का फाइनल हमारा लक्ष्य भी है, ये फरिश्ता बनना है, जब भी हम देवता बनेंगे। और फिर बाबा ने बोला कि साक्षी होकर देखते रहो, जो भी हो रहा है इससे घबराएंगे नहीं, जैसे बाबा देखते हैं। और सीट पर हमेशा सेट रहो, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। शांति, कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। शांति। बाबा ने कहा है, ड्रामानुसार कलयुग दुनिया का दुख का शांति का नजारा देख बेहद वैरागी बनते जाना है। कुछ भी होता है तो हमारे लिए सदा के चिरती कला रहे। दुनिया के लिए हाहाकार है, हमारे लिए जय जयकार है। हाहाकार माना अर्थात जाना है, परिस्थिति में घबराना नहीं है, साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देखना है। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी भाई साहब, आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग कराइएगा। तो आज की ये मुरली से हम होमवर्क लेते हैं। जैसे लास्ट में बाबा ने बोला कि फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से भी रिश्ता नहीं। तो बाबा ने कहा निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया फिर उपराम। तो आज हम पूरे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे, सिर्फ निमित्त मात्र कार्य के लिए इस शरीर का आधार दिया और फिर इस शरीर से न्यारे बाबा के साथ अव्यक्त वतन में। तो हम ये होमवर्क लेंगे, बीच बीच में ड्रिल करेंगे फरिश्ता स्थिति की। तो अभी हम सभी योग करते हैं। योग के लिए जो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही कि सिर्फ एक ही सहज बात ये याद करनी है कि हम बाप के और बाप हमारा, इसी एक बात में सब समाया हुआ है। बाबा ने कहा यह है बीज। तो अभी हम 2 मिनट के लिए सभी इस बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे। सभी 1 सेकंड में पहुंच जाए परम धाम। शिव बाबा के सभी और बस एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाए, मैं बाबा का और बाबा मेरा।
शांति, थैंक यू। शांति ओम शांति सभी बाबा ओम शांति ओम शांति ओम शांति गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति ओम शांति।